एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जहाँ पे हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे हम सेम टॉपिक के क्वेश्चन को। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछले सभी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू सारी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको PPT वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा। तो वहां पे आपको सारे PPT वगैरह या PDF जो भी है, अगर आपको किसी बुक के PDF चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि जो पेपर होने वाला है, आई थिंक मैं आपको बता दूँ कि पेपर आपका जुलाई 15 के पहले तो पॉसिबल नहीं है, और जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि मिड जुलाई के बाद पेपर होगा, तो मिड जुलाई के बाद कब होगा ये तो कंपलसरी नहीं, बट हाँ 15 के पहले तो नहीं पॉसिबल है, बट 15 के बाद भी कब होगा ये भी कुछ फिक्स नहीं कह सकते। हो सकता है जुलाई में हो भी ना, अगस्त चले जाए या उससे बाद भी हो सकता है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, बट ये मान के चलो 15 या 20 जुलाई से पहले आपका पेपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि UGC नेट का पेपर भी पोस्टपोन कर दिया गया है, और उनका जो पेपर है वो मई में होने वाला था, यानी कि नेक्स्ट मंथ में पेपर होने वाला था, बट उसको पोस्टपोन कर दिया। अब जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो कम से कम जून 15 के बाद जाएगा, और उनके पेपर जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन चलते हैं, मतलब जुलाई। और अभी कैसा है, CSIR नेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 1 मंथ उसको फॉर्म भरने में लगेंगे, उसमें भी कुछ दिन एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि COVID-19 की वजह से। उसके बाद फिर करेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, करेक्शन के बाद फिर 15-20 दिन बाद फिर हॉल टिकट आता है, और उसके 1 वीक या 10 दिन बाद फिर पेपर होता है, यानी ये कह सकते हैं कि जुलाई 20 या उसके बाद ही आपका पेपर पॉस। तो उसके लिए हमारे पास इनफ टाइम है, तो हो सकता है कि मोर देन 100 वीडियो हम लोग यहाँ पे ले, और अगर आप इस 100 वीडियो को सारे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत टाइम है इसके लिए, मैं हर एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यानी जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो किसी भी नोट्स का हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हों, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अलग अलग जगह से मैं क्वेश्चन उठा के अलग अलग नोट्स के, ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो इजी लेवल के हो या हार्ड लेवल के हो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो उन सारे क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 65 और 66 है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले बेसिस पे। तो आपको नेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सिंपल फॉर्मूले बेसिस पे होते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूरे ओवरऑल ऐसे रहते हैं, कम से कम मिनिमम जो डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पे होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो VN ओवर जेड फील्ड और ZP पे, यानी कि एक फाइनाइट फील्ड पे अगर कोई n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है भी, तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस होते हैं। अब ये देखो, मैं आपको फॉर्मूला तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब अगर आपको इसको प्रूव करना है तो सिंपल आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, या फिर सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर लें यहाँ पे, कि पहले तो आपको बेसिस पता होना चाहिए कि बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं बेसिस के डेफिनेशन की, तो अगर कोई n वेक्टर, अगर कोई डायमेंशन है n डायमेंशन का, तो अगर बेसिस के पास n एलिमेंट है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिक बेसिस बन जाता है, अगर वो जनरेटर भी है तो भी ऑटोमेटिक बेसिस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर स्पेस के n वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, और ये प्रूव करेंगे कि वो मतलब इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है तो भी ऑटोमेटिक वो हमारा बेसिस फॉर्म कर देता है वेक्टर स्पेस V का। अब ध्यान से सुनो, इन जनरल हम लोग इसे किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो गिवन है ZP। अगर आपको पता होगा फाइनाइट फील्ड के बारे में, किसी भी फाइनाइट फील्ड का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा P:N के फॉर्म में होता है, तो उसी का यूज करके, और वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड का सुपर फील्ड होता है, तो अगर फील्ड का डायमेंशन P:K है तो उसके सुपर फील्ड का डायमेंशन P:NK के फॉर्म में होता है,
क्योंकि जो सब फील्ड होती है उसकी डायमेंशन भी पी रेस टू सम आर होगा, वेयर आर डिवाइड्स करता है के को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज फील्ड का डायमेंशन पी रेस टू के है तो उसके सुपर फील्ड, क्योंकि वेक्टर स्पेस सुपर फील्ड होता है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, पी रेस टू एंड के, इस तरीके से लेते हैं। बट यहाँ पे मैं जेड पी की बने, तो फील्ड का डायमेंशन कितना हो गया सिंपल पी, और जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एन है और उसके पास जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, पी रेस टू एन। तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब हमें क्या करना है, बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन होंगे, जब मैं एन में से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा बेसिस का, उसके पास टोटल देयर आर पी रेस टू एन एलिमेंट, क्योंकि वेक्टर स्पेस से उठाते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि बेसिस के जो वेक्टर होते हैं वो सबसेट होता है, मतलब बेसिस इज अ सबसेट ऑफ वी। तो बेसिस के जो एलिमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कहाँ सेलेक्ट करूंगा, वेक्टर स्पेस में से। मतलब जब मैं वी की बात करता हूँ, अगर ये एन डायमेंशन का ओवर फाइनाइट फील्ड जेड पी पे अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वी जो है ये सुपर फील्ड है किसका, जेड पी का। और जेड पी की जो ऑर्डर होगी वो अगर पी है, तो हमारे पास जो वी एन है इसका डायमेंशन हमेशा हो जाता है पी रेस टू एन। तो जब मैं एक बेसिस बना रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बेसिस बनाना वी वन वी टू सॉल अप टू वी एन, क्योंकि एन डायमेंशन का है तो इसके पास एन वेक्टर्स होंगे। तो अब ये जो वेक्टर्स है ये वी वन वी टू, ये कहाँ बिलोंग करता है, वी आई बिलोंग्स टू वी एन, या फिर वेक्टर स्पेस वी एन ओवर द फील्ड जेड पी। अब ध्यान से सुन, तो पहले वेक्टर के लिए ऑप्शन कितने होंगे मेरे पास, देर आर पी रेस टू एन ऑप्शन। बट ध्यान रखना उसमें से जीरो वेक्टर को रिमूव कर देना, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर को लेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट को रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एन पी रेस टू एन में से एक वेक्टर को माइनस कर देते हैं, दैट इज जीरो वेक्टर। तो इतने ऑप्शन है मेरे पास, ये एक पॉइंट हो गया। अब मुझे एक नया, सपोज ये मेरे पास एक्स वन हो गया, तो एक्स वन के पास टोटल कितने ऑप्शन है, पी रेस टू एन माइनस वन। अब मुझे एक्स टू सेलेक्ट करना है, तो जब मैं x2 सेलेक्ट करूंगा तो ये x2 जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए x1 का। अब ये कितने वेक्टर्स होंगे, ऐसे में उतने ही वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ जितने के फील्ड के पास एलिमेंट हो, क्योंकि अल्फा बिलोंग करता है फील्ड को, क्योंकि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो जो नए वेक्टर को लेते समय ये ध्यान देते हैं कि वो फर्स्ट वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा टाइम्स जो हमारे पास x1 होगा उसके नहीं होने। तो इसका मतलब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से p रेस टू n में से वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, किसका, x1 का। ये हो गया हमारे पास x2। ऐसे थर्ड जब मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा तो ये किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अल्फा 1 प्लस x1 प्लस अल्फा 2 प्लस x2। अब फिर से यहाँ पे अल्फा 1 के पास कितने चॉइसेस है, p, अल्फा 2 के पास कितने चॉइसेस है, P। तो मतलब अब जब मैं थर्ड एलिमेंट के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएंगे पूरे वेक्टर में से, वो जो x1 x1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको माइनस कर दो। तो ऐसे इन जनरल हमारे पास ये ऊपर वाले टर्म्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड बेसिस के, तो ये इतने एलिमेंट हैं, तो ये मेरे पास आ गया ऑर्डर्ड बेसिस के। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो जब मैं बात करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि हो सकता है इसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिस ले लूं वन जीरो या जीरो, ये हमें पता है ये बेसिस है ओवर आर स्क्वायर। और एक बेसिस ले लेता हूं जीरो वन वन जीरो। तो जब मैं ऑर्डर्ड बेसिस की बात करता हूं तो बी, ये जो दोनों वेक्टर है सपोज ये बी वन और ये बी टू, तो बी वन इज नॉट इज इक्वल टू बी टू। बट ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑर्डर्ड बेसिस है, लेकिन अगर ये ऑर्डर्ड बेसिस नहीं है तो ये दोनों को सेम माना जाता है। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, ऐसे कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, n फैक्टोरियल। तो देयरफोर टोटल में से ये n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे दो वेक्टर है तो ऐसे में डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, टू फैक्टोरियल, तीन है तो थ्री फैक्टोरियल, ऐसे n है तो n फैक्टोरियल हो सकते हैं कि वो आपस में एक ही बेसिस फॉर्म कर रहे हैं और मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूँ, तो उस n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना पड़ता है। तो ये इसी मेथड से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सेकेंड, अगर मान लो
VNFZP यानी कि फाइनाइट फील्ड पे कोई वेक्टर स्पेस है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस फाइंड करने हैं, कितने डायमेंशन के, r डायमेंशन के। अब ये सेम टेक्निक हमें होता है, हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करने होते हैं जब भी हम सबस्पेस फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब वेक्टर के पास, अगर वेक्टर एक n डायमेंशन का किसी फील्ड पे अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो अगर मुझे सबस्पेस फाइंड करना है तो इसका मतलब r डायमेंशन का। तो ये तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम बेसिस फाइंड करते हैं। तो सबस्पेस फाइंड करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, ऐसे सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड कर लूँ, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फाइंड कर दूंगा जो r डायमेंशन का एक सबस्पेस फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ जिसके पास कितने वेक्टर्स है, r वेक्टर्स है, और अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये जो है ये वो सारे वेक्टर्स है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उससे एक सबस्पेस फॉर्म हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे उसमें से कॉमन आ जाते हैं, मतलब अलग अलग वेक्टर से जब मैं सबस्पेस फॉर्म करूँगा तो जो कुछ कॉमन होंगे, इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना होता है कि r डायमेंशन के कितने नंबर ऑफ बेसिस होंगे, मैं वो फाइंड कर दूंगा और उसी फैक्टर से उसको डिवाइड कर दूंगा। ये सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हो जैसे हम ग्रुप के अंदर जो ऑर्डर फाइंड करते हैं कि पहले मैं एलिमेंट, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है Z7×Z7 का, वहाँ पे लोग टू ऑर्डर के एलिमेंट निकालते हैं, 48 आता है थिंक, तो उसके बाद फिर हम लोग सब ग्रुप करना फाइंड करते हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, मतलब उसके टोटल सब ग्रुप फाइंड करते हैं कितने ऑर्डर के, टू ऑर्डर के, तो वो टोटल 8 सब ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सब ग्रुप में, मतलब एक ही एलिमेंट से जब हम लोग सब ग्रुप फाइंड करते हैं तो वो एक सब ग्रुप बनता है, फिर ऐसे सेकेंड एलिमेंट से जो सब ग्रुप फाइंड करेंगे तो होता ये है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट कि मतलब एक ही सब ग्रुप में चले जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट सेकेंड सब ग्रुप में चले जाते हैं, तो वो एक क्लास बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, 8। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, पहले हम मतलब वेक्टर स्पेस में r डायमेंशन के कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म कर सकते, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ, जिसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी r। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले p^n में से 1 माइनस करेंगे, सॉल्व अप टू ये कहाँ तक जाना है, सिर्फ r वेक्टर के, तो p^n माइनस p^r-1, और नीचे क्या करना है हमें, अब हमें बेसिस निकालने, r डायमेंशन के मतलब r वेक्टर के कितने बेसिस होंगे। तो सीधी सी बात है, पहले एलिमेंट कहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं, जो मैंने सबसेट सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि मान लो एक सबस्पेस है, सबस्पेस मेरा फॉर्म हो गया, अब उस सबस्पेस में से एक r वेक्टर सेलेक्ट करूँगा, जैसे मान लो कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 है और उसके सबस्पेस का डायमेंशन है 2, तो मुझे क्या करना है, पहले तो 2 वेक्टर के लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म कर दूंगा। अब उसके बाद सपोज मैंने सबस्पेस फॉर्म कर लिए, अब उस सबस्पेस में से मैं बेसिस फाइंड करूंगा, और बेसिस के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2, तो जब मैं 2 एलिमेंट लूंगा बेसिस, तो वो बेसिस किसके होंगे, वेक्टर सबस्पेस के होंगे। तो जब मैं सबस्पेस का बेसिस फाइंड कर रहा हूं तो वो वेक्टर कहां से स्टार्ट होंगे, मतलब उसकी जो काउंटिंग होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, p^r-1 सॉल्व अप टू p^r-1। तो ये आप सिंपल देख सकते हो, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन भी है, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना, सिर्फ याद करना है, इसका फार्मूला आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा कि कैसे इसको डिफाइन करना, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो VNZP एक वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n का ओवर द फील्ड ZP, फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ बेसिस फॉर्म कर सकता हूँ मैं, और टोटल नंबर ऑफ बेसिस पूछ रहा है V3Z3। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, p^n-1 सॉल्व अप टू कहाँ तक जाता है, ये p^n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला है। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू भी 3 है, तो देयरफॉर
थ्री रेस टू थ्री माइनस वन, थ्री रेस टू थ्री माइनस थ्री और थ्री रेस टू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर। तो ये कहाँ तक जाना था हमें, थ्री रेस टू एन माइनस वन, तो एन कितना है तो थ्री, तो थ्री माइनस वन टू, मतलब सिर्फ थ्री स्क्वायर तक जाना है, और डिवाइडेड बाय थ्री का फैक्टोरियल मतलब सिक्स। अब अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस वन, यानी कि सिंपल में 26 लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 24 और ये वाला पार्ट आ जाएगा 18। अब ये देखो 26 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल ट्रिक यूज कर लो, 6 4 जा 24 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 624 आ जाएगा। मतलब क्या बचा हमारे पास, 26 इंटू 24 इंटू 27 माइनस 9 मतलब 18, और इसको डिवाइड करना है 6 से, तो ये तो कैंसिल होकर सिंपल 3 आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 2 3 जा 6 64, और 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 6 जा 18 मतलब 1872, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1872 ये हमारा आंसर है कि इतने नंबर ऑफ बेसिस होंगे किसके अंदर, V3Z3 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब स्पेस के बेसिस पे, ठीक है, आई थिंक वो आगे पीछे हो गया, तो लास्ट में है 67 ना, तो जो सब स्पेस वाला क्वेश्चन है उसको मैंने लास्ट में रखा है, तो वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, V1 से लेके VN तक नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल आपको पता ही होगा, V into VJ is equal to 0 if I is not is equal to J, ठीक है, कि इनर प्रोडक्ट जो होता है VI VJ का वो हमेशा 0 होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर सिंपल डॉट करके भी लिखते हैं। The dimension of the vector space spanned by 2n vector, 2n vector से एक सब स्पेस, एक वेक्टर स्पेस स्पैन, मतलब 2n vector से स्पैन करेंगे एक वेक्टर स्पेस, तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, 2n वेक्टर को बनाया कैसे गया है, v1 v2 सॉल्व अप टू v, और बाकी सारे वेक्टर माइनस v1 माइनस v2 सॉल्व अप टू माइनस vn, तो ये जो माइनस वेक्टर है ये तो इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये तो सारे ऑर्थोगोनल है, मतलब ये तो आपस में सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बचे ये सारे वेक्टर और ये तो इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने होंगे, सिर्फ n, तो हमारे पास जो सब स्पेस फॉर्म होगा 2n वेक्टर से वो कितने, उसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, n, तो मतलब उसका डायमेंशन भी कितना होगा, n, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये कंडीशन दिया है हमारे पास कि एक सब स्पेस है आर क्यूब के अंदर जिनके तीनों कंपोनेंट का सम जीरो है, मतलब एक कंडीशन गिवन, तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये एक सब स्पेस है और इसका बेसिस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल x1 x2 x3, तो किसी भी x1 को, सपोज x1 के प्लेस पे लिख देता हूँ मैं -x2 -x3, ऐसे लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x2 और x3 आ गए, तो बेसिस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x2 x3 को हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कुछ स्केलर के फॉर्म में, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं x1 को कॉमन ले लूँ तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, अरे सॉरी x1 तो है नहीं ना, x1 को तो रिमूव कर दिया, x2 के फॉर्म में आ गया, तो जब मैं x2 को रिमूव करूंगा तो पहले में x1 तो, सॉरी पहले लिख लेते उसको, पहला वेक्टर क्या था हमारे पास -x2 -x3, फिर उसके बाद सेकेंड x2 और x3, जब मैं x2 को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा -1 1 और 0, जब मैं x3 कॉमन लूंगा तो -1 0 और ये 1, तो ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बेसिस में ऐसे तो हमारे पास सिर्फ पहला वेक्टर दिख रहा है, पहले तो ऑप्शन देख लो, और इसके बाद ये पहला 1 दूसरा -1 है, तो एक काम करो इसका अगर किसी
अल्फा से मल्टीप्लीप्लाई कर देते हो वो भी बेसिस होता है। तो एक काम करो, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस वन और जीरो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वन जीरो और माइनस वन, मतलब ये वाला वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ये एक्स का बेसिस फॉर्म कर रहा है, क्लियरली बेसिस है, ये राइट हो गया। सेकेंड कह रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा बट ये स्पैन नहीं करेगा, तो ये रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है कि ये सब स्पेस नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग, नन ऑफ द अबो भी रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ये सब स्पेस फॉर्म करता है और इसका बेसिस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एम एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्राइसेस है और मैं एक कलेक्शन या फिर ये कह सकता हूँ एक सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर वही सारे मैट्राइसेस आएंगे सच दैट जिनका हर एक एंट्री जीरो है जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, और दूसरी बात जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका समेशन जीरो है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल की मदद से बताऊं, 2×2 और 3×3, ये कह रहा है कि जब एलिमेंट डायगोनल पे नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ये एलिमेंट जीरो, बाकी इस पे कंडीशन दे दिया क्या कि इसका जो ट्रेस है मतलब x1 + x12 = 0, कितने वेक्टर है, 2, कंडीशन कितना है 1, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने होंगे, 2 - 1, तो इसका डायमेंशन हो गया 1। अगर 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 1, अगर सपोज 3×3 ऑर्डर का है, ये एलिमेंट 0, 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 ये ट्रेस होता है और ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और इस पे एलिमेंट कितने होंगे 3, और कंडीशन कितना है 1, तो 3 - 1 = 2, तो उसका डायमेंशन होगा 2। तो इन जनरल ये कह रहा है कि डायगोनल का सम 0 मतलब ट्रेस 0 और बाकी ये पूरा 0। तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं है, यहाँ पे भी कोई चॉइसेस नहीं है वेरिएबल को सिलेक्ट करने की, तो वेरिएबल को सिलेक्ट करने के चॉइसेस कहाँ हैं, x1 सॉल्व अप टू xnn, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल पे एलिमेंट कितने हैं n, बट इसमें से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन को माइनस करना, तो एक ही कंडीशन है और एक हमेशा कैसा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इसको माइनस कर दें तो n-1, तो ये सेट फॉर्म करता है एक सब स्पेस जिसका डायमेंशन हो जाएगा n-1। तो बाकी ये भी ये कह रहा है कि ये फॉर्म नहीं करेगा, तो सब स्पेस फॉर्म करेगा क्योंकि, अच्छा सब स्पेस भी चेक करना था, तो सब स्पेस का हम लोग ये आप चेक कर सकते हो क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में सब स्पेस के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि जब भी कंडीशन जीरो पे आ जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो सब स्पेस फॉर्म कर जाता है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। कह रहा है कि क्लोज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्लोज भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर सकते हो कि क्लोज भी है क्योंकि ट्रेस की बात कर रहे हैं और ट्रेस में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है लीनियर कॉम्बिनेशन की। सेट फॉर्म करता सब स्पेस, इसमें डायमेंशन अलग कर दिया, तो मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक सेट है जिसके पास 100 टपल सच दैट कि x1, अच्छा ये यहाँ पे r = 100 आ जाएगा, ठीक है r = 100, तो पहले स्टार्टिंग के 15 टपल इक्वल है और उसके बाद का सम जीरो है, मतलब स्टार्टिंग के 50 वेक्टर इक्वल है, बाद के 50 वेक्टर का सम जीरो है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है मेरे पास, सारे वेक्टर एक ही है तो मैं एक ही वेरिएबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब पहले 50 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं एक वेक्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि बाकी सब तो इक्वल है, तो डिफरेंट वेक्टर्स कितने होंगे, 1। सेकेंड में ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है कि सारे वेरिएबल का सम जीरो है, टोटल वेरिएबल कितने हैं 50, वेक्टर का मतलब कंडीशन कितने हैं 1, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक ही कंडीशन है तो ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो टोटल चॉइसेस यहाँ पे 29 है कि मैं 49 वेक्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ और बाकी एक वेक्टर बाकी 49 का लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो उसे हम लोग हटा देंगे, तो 49 मेरे पास ऐसे हैं जो किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं, और यहाँ पे तो सब इक्वल है तो एक ही चॉइसेस, तो 49 + 1 टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए 50, यानी कि सेकेंड ऑप्शन
करेक्ट हो गया। सिर्फ यही चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल है कि मैं वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकता हूं ताकि वो किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, बस यही हमें फाइंड करना होता है। 72 की v1 v2 v3 ये तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं R:n के, और वो भी कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इन तीन वेक्टर्स में से हमें नहीं पता कौन सा वेक्टर, बट हो सकता है v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है v2 v1 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब v1 v2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट v3 इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, या फिर हो सकता है v1 v3 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन v2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। मतलब इन तीनों वेक्टर्स में से कौन किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये नहीं पता, बट एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में है बट कौन सा है ये नहीं पता। पहला ऑप्शन, v3 मस्ट बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 पॉसिबल, जरूरी नहीं, हो सकता है कि v3 v1 ये आपस में कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, v2 उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर v1 v3 ये थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स है लीनियर इंडिपेंडेंट के R:n के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट, तो कौन सा वेक्टर किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो कि ये नहीं बता सकते, बट हाँ कोई तो होगा, बट इसमें मस्ट बोल रहे हैं, इसके लिए तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबो, कि कौन किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही वेक्टर, मतलब तीनों ही वेक्टर इसमें से है, खाली मतलब v2 v1 v3 का हो या फिर v3 v1 v2 का है, एक ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये भी पॉसिबल है। तो जब तक हमें कुछ पता, हमें सिर्फ बताया कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हो सकता है दो वेक्टर, तीन वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो, दो वेक्टर हो, तो देर को इसमें से कोई भी केस हम लोग बता नहीं सकते, तो नन ऑफ द अबो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अच्छा, अब आपको ये प्रॉपर्टी बताओगी कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डायमेंशन हमेशा इससे छोटा होगा और जनरेटर का डायमेंशन हमेशा n से बड़ा होगा। मान लो ये एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है k, तो k हमेशा लेस देन n होगा, और मान लो ये वो सेट है जो कि जनरेट कर रहे हैं और ये सपोज m है, तो m हमेशा ग्रेटर देन n होगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक जा सकते हैं, जितना उसका डायमेंशन हो या फिर बेसिस के पास जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा मैक्सिमल सेलेक्ट करना होता है ताकि वो बेसिस बन जाए, तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाते हैं, जबकि जनरेटर के एलिमेंट हमेशा डायमेंशन से बड़ी होती है और हम उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि उन पार्ट्स को रिमूव करें जो किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और जो सबसे मिनिमल कि जब सारे वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको जनरेट करते हैं और कोई भी किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होता है, तब उसी को हम लोग बेसिस फॉर्म करते हैं। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो किसी ना किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको रिमूव करो, और अगर सपोज वो n वेक्टर्स ही नहीं है तो उससे कम कभी भी सेट को जनरेट नहीं कर सकता। मान लो कोई एक वेक्टर उसके डायमेंशन n है, तो n-1 वेक्टर्स कभी भी उसको जनरेट नहीं कर सकता, ये याद रखना। जनरेटर हमेशा क्या होता है, उससे उसके पास नंबर ऑफ वेक्टर उसके डायमेंशन से हमेशा ग्रेटर होने चाहिए। अब ये इसमें बोला है, अच्छा ये थोड़ा अलग है, तो पहले इसमें क्वेश्चन, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इसमें पूछा क्या है, एस और टी वेक्टर स्पेस का सबसेट ले रहा हूं, तो एस और टी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लो, और S जो है वो T के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कह रहा है T अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S भी होगा, S T का सबसेट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब V1, सपोज इसके पास V के वेक्टर्स है, तो इसका मतलब इसके सारे वेक्टर्स जो है वो कैसे हैं, आपस में कोई भी किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो
तो अगर मैं इसमें से कुछ वेक्टर रिमूव भी कर दूं तो बचे हुए वेक्टर्स भी आपस में कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, क्योंकि जब यही एक हर एक वेक्टर आपस में कोई किसी को नहीं जानता या फिर कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो उसमें से कुछ वेक्टर हटा भी दूं तो भी वो किसी कोई भी वेक्टर किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो देयरफॉर अगर टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आपको ये थ्योरम भी याद रखना है या फिर रिजल्ट कि इफ टी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एंड एस इज अ सबसेट ऑफ टी, या फिर ये कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का कोई भी आप सबसेट ले लो वो भी हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो उससे हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। इफ टी जनरेट्स वी देन एस ऑल्सो मस्ट जनरेट्स वी, एस कंटेन कर रहा है टी के अंदर और कह रहा है कि अगर टी जनरेट कर रहा है तो एस भी जनरेट करेगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि डायमेंशन एन है और उसके पास एन वेक्टर्स है, अगर वो जनरेट कर रहा है तो अगर मैं उसमें से एक पार्ट हटा दूं और उसका डायमेंशन एन से कम हो जाए तो क्लियरली वो उसको जनरेट नहीं करेगा। तो जनरेट करने के लिए, तो अगर कोई सुपर सेट जनरेट कर रहा है तो उसके सबसेट जनरेट करे, ये जरूरी नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड, अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब छोटा सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो टी मस्ट बी, बड़े वाले सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वही अगर मान लो बेसिस को ही ले लूँ, बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो उसका कोई भी सुपर सेट ले लूँ वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इससे ये रिमूव, अगर एस जनरेट कर रहा है, आप देखो छोटा वाला सेट अगर जनरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली सेट तो जनरेट करेगी करेगी, क्योंकि बड़े वाले सेट को रिमूव करके हम छोटा सेट बनाते हैं। तो मतलब जितने भी उसको जनरेट कर रहे वो सारे एलिमेंट तो है उसके पास, तो उससे बड़ा वाला सेट ले लूँ तो उसके पास भी वो सारे एलिमेंट होंगे जो वी को जनरेट कर सकते हैं, तो टी तो उससे ही बड़ा है, तो टी के पास भी वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जो सारे एलिमेंट मेरे वी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं या फिर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हर एक वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर फोर्थ और फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट फोर्थ करेक्ट है बट सेकेंड और थर्ड फॉल्स, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि V1, V2, V3, V4 ये R^4 का बेसिस है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, इसे आप जनरलाइज करके भी कर सकते हो। एक काम करो, इसका वेक्टर एक मैट्रिक्स फाइंड कर दो, 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, या फिर आप 4x4 को नहीं भी फाइंड करोगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर आप फाइंड करके भी देख सकते हो, उसका सिंपल डिटरमिनेंट निकाल सकते हो 4x4 का ऑर्डर का होगा, बट 3x3 से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि उससे आपका बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ध्यान दो, V1 से लेके V4 तक ये R^4 का बेसिस है। जब बेसिस हैं तो ये सारे वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, पहली कंडीशन। एक नया वेक्टर बना रहा हूं जो इन चारों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, दूसरी बात, क्या ये वेक्टर अगर R^4 का बेसिस फॉर्म करेगा, कब फॉर्म करेगा वो निकालना। तो आप एक काम करो, इन सारे वेक्टर्स को V1, V2, V3 के फॉर्म में लिख दो। मैं इस V को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, यहाँ पे भी V को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, यहाँ पे भी V को रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी V को रिप्लेस कर सकता हूँ। और अब जब मैट्रिक्स बनाओगे तो आपके सामने एक मैट्रिक्स बन के आएगी, 1-A1, V1, V2, V3 को AX+B के फॉर्म में लिख दो, तो 1-A1। उसके बाद मतलब वही बात है, हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो वो बेसिस हो जाता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें से जो इक्वल वाले वो तो हट जाएंगे, तो मतलब इससे ये पता चल गया कि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो। जिसमें भी नॉट इक्वल वाला साइन है अब या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, तो सेकेंड में आ जाएगा -A2, ऐसे ये -A3 आ जाएगा, ऐसे ये -A4 आ जाएगा, यहाँ पे ये -A1, 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 आप ये चौक सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ पे ये आ जाएगा 1-A2, -A3, -A4।
फिर उसके बाद ये माइनस ए टू, वन माइनस ए थ्री और माइनस ए फोर, और लास्ट में आपका आ जाएगा माइनस ए टू, माइनस ए थ्री और वन माइनस ए फोर। तो अगर आप वन डायमेंशन का लोगे तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स आएगा। तो वन माइनस ए वन इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए वन इज नॉट इज इक्वल टू वन। तो एक तो वो कंडीशन आ गई, तो मतलब इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा कि ए वन की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होगी। अगर आप टू क्रॉस टू का ले रहे हो तो टू क्रॉस टू से आपको मिल जाएगा ए वन प्लस ए टू इज नॉट इज इक्वल टू वन। थ्री क्रॉस थ्री का लोगे तो आपको मिल जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज नॉट इज इक्वल टू वन। और फोर क्रॉस फोर लोगे तो भी आप चेक कर सकते हो, थोड़ा रो ऑपरेशन लगा दो, सबको माइनस कर दो, ए टू को ए वन, मतलब रो टू को रो वन में से माइनस कर दो, अरे रो वन रो टू में से रो वन को माइनस कर दो, आर थ्री माइनस आर टू और आर फोर माइनस आर थ्री। तो आपको सारा एंट्री वन वन आ जाएगा, कुछ माइनस वन आ जाएंगे, खाली ऊपर की एंट्री आपको बचेगी, उसके बाद आप सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा और ये गेट का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75। वी अगर एक वेक्टर स्पेस है एन क्रॉस एन डायमेंशन का, डब्ल्यू सब स्पेस है जिसके हर एक रो को ऐड करने पे आंसर जीरो आ जाता है, देन द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। सिंपल है, हर एक रो के पास हर एक रो का सम कितना है, जीरो। मतलब क्या होगा, ए वन वन ए वन टू सॉल्व अप टू ए वन एन इज इक्वल टू जीरो। चॉइसेस कितने होंगे इसके पास, एन माइनस वन। सेकेंड रो के पास कितने चॉइसेस होंगे, एन माइनस वन। लास्ट रो के पास कितने चॉइसेस होंगे, एन माइनस वन। टोटल कितने हैं ऐसे, एन। तो n माइनस वन को ऐसे में अगर n टाइम्स लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, n टाइम्स n माइनस वन। तो यही आंसर है हमारा कि n इंटू n माइनस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक रो के पास हर एक रो का सम जीरो है। तो अगर मैं कह रहा हूँ a1 वन प्लस ए वन टू सॉल्व अप टू ए वन एन इज इक्वल टू जीरो, टोटल n वेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से किसी एक वेक्टर को बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तो मतलब एक के पास तो मेरे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तो टोटल वेरिएबल n माइनस वन ही बचे। ऐसे हर एक रो में n माइनस वन होंगे, टोटल रो कितने हैं n, तो टोटल डायमेंशन कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस। तो ये आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। 76 कह रहा है ये तीन वेक्टर्स बेसिस फॉर्म करेंगे आर क्यूब के इफ एंड ओनली। सिंपल सी बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो या फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, सबसे बेस्ट मेथड। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जितने भी जीरो वाले हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। इसमें सारे नॉन जीरो वाले हैं, तो एक काम करो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, वन अल्फा वन। डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो इसका, तो पहला तो जीरो है माइनस वन, और इसके बाद ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद फिर सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये आ रहा है जीरो वन अल्फा, अल्फा वन जीरो, वन अल्फा वन। तो पहले जीरो माइनस वन, सेकेंड वाला है ना, तो ये अल्फा, एक काम करो इसको ऐसे लिखते, जीरो वन अल्फा, अल्फा वन जीरो और वन अल्फा वन। तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस वन इज इक्वल टू नॉन जीरो, जीरो और ये माइनस अल्फा। अब इसको सिंपल आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, तो इसके बाद ये माइनस टू अल्फा, अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब माइनस टू अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इस ये जीरो कब होगा, जब अल्फा भी नॉन जीरो होना चाहिए और अल्फा स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू टू, मतलब अल्फा इज नॉन जीरो और अल्फा स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू टू, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल
क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एस अगर ये दो वेक्टर्स हैं, कह रहा है के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन ऑफ एस। कब बिलोंग करेगा? जब इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो, मतलब 3 और ये 10, इसको कैसे लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में? तो अल्फा इज इक्वल टू -101 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 214। अब ध्यान से देखो, ये 3 बनना चाहिए, मतलब मिडल वाला 3। अब ये तो 0 है, तो अगर मैं बीटा के प्लेस पे 3 लिख दूं तो 3 आ जाएगा। तो सपोज बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, अब यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, और यहाँ पे ये अल्फा इंटू 1, तो 12 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 10 कब होगा, जब अल्फा को 2 ले लेंगे, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये -2 और ये 3 2 6, तो 6 -2 4। अरे हाँ सही है, तो इसका मतलब 3k+2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? सिंपल, हमारे पास क्या आया था, वो क्या आया था, ठीक है वो सॉल्व कर देना जो भी आया था। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कंपेयर करना है 3k+2 से। अल्फा को हम लोग क्या लिए थे, आई थिंक 2 लिए थे, तो 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा -2 से, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे, तो 6 -2 आपका 4 आ जाएगा, और 2 वो साइड आएगा। तो फिर आप लोग चेक कर सकते हैं, रुको रुको, 10 चाहिए ना अपने को, तो 12 इज इक्वल टू 10 और ये 1, तो मेरे ख्याल से बीटा को -2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 सेलेक्ट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 3, तो 3 2 6 ये वाला टर्म, और ये -2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3k+2। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3 2 मतलब k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78। अब ये देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के पास हमेशा बेसिस से कम एलिमेंट होते हैं और जनरेटर के पास हमेशा बेसिस से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। एस ये जो है इसके पास एम एलिमेंट है, टी के पास एन एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है एस और एफ टी अगर दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो कह रहा है एम और एन इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एन हो, तो उसके सबसेट मतलब ऐसे वेक्टर ले लूं जो उसके सबसेट होंगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 3, तो मैं 3 वेक्टर्स का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले सकता हूं, 2 वेक्टर्स का भी ले सकता हूं, तो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट का डायमेंशन सेम हो ये जरूरी नहीं। तो मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर एस बेसिस होगा वी का और टी स्पैन कर रहा है वी को, एस बेसिस है मतलब एम डायमेंशन, टी स्पैन कर रहा है इसका डायमेंशन एन, तो बेसिस का डायमेंशन हमेशा स्पैन के डायमेंशन से कम होता है, बट इसमें उल्टा रिलेशन है तो ये रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि एस बेसिस है, और एस बेसिस है मतलब उसका डायमेंशन बोल रहा हूँ, एस के पास नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, एम, टी को क्या बोल रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसके पास कितने वेक्टर्स होंगे, एन, तो बेसिस के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो एम ग्रेटर देन एन, बट इसमें भी उल्टा बोल रहा है, मतलब थर्ड भी रॉन्ग। कह रहा है एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके पास कितना है, एम, एंड इफ टी स्पैन कर रहा है और टी के पास कितने हैं, एन, तो स्पैन हमेशा एम से ग्रेटर देन होता है, तो एन ग्रेटर देन एम मतलब लास्ट वाला आंसर राइट हो गया, कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसके पास हमेशा लेस नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे देन अगर कोई सेट के सेट क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल, नॉट अ बेसिस पूछ रहा है, तीनों वेक्टर्स का रैंक निकाल दो, नॉट बेसिस पूछ रहा है मतलब डिपेंडेंट होना चाहिए, तो जो भी डिपेंडेंट हो जाएगा डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हो कि कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। अगर डायरेक्टली आपको एक कोई बेसिस मिल जाए जो किसी
एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तब तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर रैंक निकाल दो जिसका डिटरमिनेंट जीरो, वही हमारा बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, बाकी सारे बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। तो एक आप या तो डायरेक्टली चेक कर लो कि क्या किसी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रैंक वाले मेथड से कर सकते। बाकी तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई करो कि कौन से वेक्टर को आप बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। 80, ये जो मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन बच गया था सब स्पेस का, कि वी एन जेड पी ये एक वेक्टर स्पेस है डायमेंशन एन का ओवर द फील्ड जेड पी, तो वी टू जेड पी मतलब टू डायमेंशन का ओवर द फील्ड जेड फाइ, मतलब फाइ एलिमेंट का एक फील्ड है और टू डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, वन डायमेंशन का सब स्पेस फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या था, पी रेस टू एन, पी रेस टू एन मतलब फाइ रेस टू वन माइनस आर माइनस वन तक जाना है। अब आर क्या होता है, डायमेंशन मतलब कहाँ तक जाना हमको, सॉरी पी रेस टू एन ना, तो पी रेस टू एन मतलब फाइ का स्क्वायर डायमेंशन माइनस 2 माइनस वन तक जाना है, एन आर माइनस वन, तो आर कितना है 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो आर इज टू किसी भी नंबर का 0 पावर मतलब 1, तो ये सिर्फ 5 स्क्वायर माइनस 1 तक जाना है, अपॉन में वो स्टार्ट ही होता है पी रिस टू आर से लेके पी रिस टू आर माइनस 1 तक, मतलब 5 रिस टू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4, ये डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला को बाय हार्ट कर दो आपको ये आ जाएगा, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो जनरली इंडिपेंडेंट के हो या डिपेंडेंट के हो, एक बार आप खुद से ट्राई करो, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पीपीटी वगैरह देख के भी आप लोग खुद से सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो वीडियो देखो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।